तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आज की वीडियो से मैं आपकी सारी डाउट को क्लियर कर पाऊं। पिछले कुछ दिन से मेरे पास बहुत सारे कमेंट और इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो बंदा इंडियन आर्मी का रनिंग करता है वो जिम ज्वाइनिंग कर सकता है, या जो जिम करता है वो रनिंग कर सकता है। तो क्या कुछ है पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और ये बात आपको वही बता सकता है जो सच में बंदा रनिंग भी किया है और जिम भी किया है। तो आपका भाई का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वही आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे भी इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी या न्यूज में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और पर्सनल हमसे किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए या बात करने के लिए इंस्टाग्राम एडियल पांडे पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े एथलीट होते हैं उनका फिजिक देखते हैं कितना फिट होता है, और फिजिक फिट होने के कारण ही अच्छी तरह से रनिंग कर पाते हैं। और जो रनिंग करता है ना बंदा, जो एथलीट होता है वो जिम भी करता है। तो जिम से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हैं और कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या बेनिफिट्स हैं पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिम में जो है सप्ताह के 7 दिन में 1 दिन क्लोज रहते हैं, बाकी 6 दिन खुले हुए रहते हैं, और 6 दिन में आप अलग-अलग इंडिविजुअली हर बॉडी पार्ट को आप ट्रेन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो लेग है, ठीक है, तो लेग का वर्कआउट आप वहां करेंगे तो लेग आपका जो है उसमें मसल्स आएंगे, आपके जो है पैर मजबूत होंगे, इसके ब्लड सर्कुलेशन तेज होंगे। तो जब आपके पैरों में जान आएगी तो जैसे बात है कि आप रनिंग जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपका टाइमिंग जल्दी कम होगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ये जो बाइसेप हो गया, ठीक है, ये आपका जो है ट्राइसेप हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया, तो ओवरऑल आप जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये जो बाजू है, ठीक है, इसमें आपकी जान आएगी, ताकत आएगी। और जब इसमें आपका ताकत आएगा तो इंडियन आर्मी में पता है आपको कि 10 बीम लगाया जाता है और 10 बीम का पूरे 40 नंबर मिलता है। तो अगर आपकी बाजू में दम आ जाएगी तो आप नॉर्मली 10 बीम नहीं लगा पाएंगे, आराम से लगा पाएंगे, और 10 बीम लगाएंगे तो पूरे 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो भी बंदा जिम का होता है वो मतलब वहाँ 15 से 20 बीम तक लगा सकता है, मैं खुद 18 से 20 बीम लगाता हूँ। तो बीम लगाना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा अगर आप जो है अपने ये बॉडी पार्ट को, बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर को आप मजबूत अगर जाके बना लेते हैं। ठीक है, अब बात रही आपकी चेस्ट, तो आप अगर इंडियन आर्मी में तैयारी कर रहे हैं और रनिंग में आप बहुत अच्छा एक्सीलेंट मारे उसके बावजूद भी अगर आपका चेस्ट है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा जब जिम जाते हैं, तो जिम में जो है आप जो है चेस्ट का वर्कआउट करें, इससे आपका लंबी चौड़ी चेस्ट दिखेगा। और जब चेस्ट का वर्कआउट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं इससे आपका जो सांस लेने वाला जो सिस्टम है ना वो भी सही हो जाएगा। अब बात रही कि आपका स्टोमेक यानी पेट, तो क्या होता है कि जब आप पेट का वहां वर्कआउट करेंगे तो आपका सिक्स पैक निकलेगा, एक्स्ट्रा चर्बी भी गायब होगा, प्लस ये जो साइड कोर होता है इसमें भी आपको वहां बेनिफिट्स मिलेगा, इससे जो है आप रनिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिम जाने के बाद जो है सो आपका स्टेमिना बनेगा, क्योंकि जिम में क्या होता है कि बहुत सारे सेट, जैसे 3 सेट 4 सेट में लगाते हैं और पर सेट में कई सारे रिपीटेशन लगाते हैं, 10 रिपीटेशन 12 15 रिपीटेशन लगाते हैं। तो जब आप इतनी तरह के वहां वर्कआउट करते हैं तो आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने का आपका तरीका सेट हो जाता है। ठीक है, और आप जो है लंबा देर तक किसी भी कार्य को करते हैं तो आपका स्टेमिना बन जाता है। तो इससे आपको डायरेक्ट और डायरेक्ट जो है रनिंग पर बेनिफिट्स मिलता है। मिलता ये है कि जैसा कि आपको पता है कि रनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि आपका सांस फूलने लगता है, तो जब जिम जाते हैं तो इससे आपका सांस कंट्रोल में रहेगा और फिर रनिंग पर इसका असर पड़ेगा कि आप अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे, इससे आपका टाइमिंग बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा का मतलब यह है कि रनिंग में अगर 5 मिनट आप 6 महीना में ला पा रहे हैं और अगर आप जिम ज्वाइनिंग करते हैं तो वो टाइमिंग आप 3 महीना में ला पाएंगे। जी हां, ये मैं एकदम बिल्कुल जो अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने किया और जो मुझे रिजल्ट मिला मैं वही बता रहा हूं, इसलिए आप बिलीव करके एक बार ट्राई करके देखिए, बेनिफिट्स ना मिले तो फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जिम में आपको दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि जिम आप जब करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने वेट को गेन कर लेते हैं यानी मसल्स को बढ़ा लेते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, अपने वजन नहीं बढ़ाना है। ठीक है, या आपके बहुत सारे जो चर्बी जो मसल्स बढ़ जाते हैं वो नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपको वजन ज्यादा हो जाएगा, इससे आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको वेट गेन नहीं करना है, अदरवाइज सारा कुछ करना है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि अगर आप जिम जा रहे हैं तो कभी भी आप जो है प्रोटीन हो गया, कैरेटीन हो गया, या डबल BCA हो गया, मतलब किसी भी तरह की जो पाउडर का प्रोडक्ट यूज ना करें। राइट, और ना ही आप एस्ट्रॉइड वगैरह का यूज करें, आप नॉर्मली जिम करें। और जिम जब करेंगे तो इससे आपका भूख भी जगेगा, और भूख जब जगेगा तो घर पे आप जो है दाल चावल रोटी जो होते हैं या चना वगैरह होते हैं या केला हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब ज्यादा आप खा पाएंगे। जब ज्यादा खाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी आएगा, और जितना आप खाएंगे उतना जिम और रनिंग करके आप कैलोरी को वेस्ट भी कर देंगे, इससे आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल आप बहुत अच्छी तरह से जो है रनिंग
रनिंग में अपना टाइमिंग दे सकते हैं और 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 4:50, 4:40 तक लाके आप एक वेस्ट टाइम और एक धावक की तरह रनिंग कर पाएंगे। मैंने सिर्फ आपको वही बात बताया है जो मैं किया वही बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपकी जो भी कमेंट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरी जवाब मिल चुकी होगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मुझसे किसी भी तरह की कुछ जानना चाहते हैं तो आप जो है बेहतर मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट जो है आपके सामने वीडियो लाने का मुझे मन करता है और मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है। और जिस भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उसका भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।